दोस्तों, इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने बिस्ट के ट्रेलर का रिव्यू रखूं, कि उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा अपने थलापति के लिए कि भाई, जिस इंसान के नाम की शुरुआत विजय शब्द से होती हो, यानी कि भैया जिसके नाम के शुरू में ही विजय लगा हो, तो भैया वो इंसान तो पहले ही विजयी हो गया मेरे भाई। यानी कि भैया जब थलापति विजय की आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि बिस्ट को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आई थी कि भैया ये फिल्म मॉन्स्टर की आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि यश भाई की आने वाली मच अवेटेड फिल्म केजीएफ के चैप्टर 2 से एक दिन पहले रिलीज होगी सिनेमा घर में, तो भाई इस खबर को सुनते ही मैं भी थोड़ा सा चकरा गया था कि भाई जिस फिल्म के साथ में कोई भी फिल्म मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं है, उस फिल्म के सामने थलापति विजय अपनी आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि बिस्ट को क्यों रख रहे हैं मेरे भाई। और मेरे इस सवाल का जवाब आज मुझे मिल गया है बिस्ट के ट्रेलर को देखने के बाद। यानी कि भैया बिस्ट के ट्रेलर को जब मैंने देखा तो दिल से खुद ब खुद ये आवाज निकली कि भाई ये दोनों फिल्में ही बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट होने वाली है। यानी कि भैया ये दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त मुकाबला भी करेंगी और इन दोनों फिल्मों को दर्शकों का बेसुमार प्यार मिलेगा मेरे भाई। क्या ट्रेलर है, क्या ट्रेलर है! इस ट्रेलर को देखते ही दिल से आवाज निकल रही है बॉलीवुड के उन झूठे कलाकारों को लेकर जो कि इन दिनों साउथ इंडस्ट्री को लेकर ये कहते थक नहीं रहे हैं कि भाई ये तो रीजनल इंडस्ट्री है। तो भाई अगर आप लोगों की नजर में ये रीजनल इंडस्ट्री है तो आप लोगों से बहुत ही बेहतरीन इंडस्ट्री है। भाई इस ट्रेलर को देखते ही खुद ब खुद आप समझोगे कि भैया इसको बोलते हैं मेकिंग, इसको बोलते हैं स्टोरी लाइन, इसको बोलते हैं ट्रेलर, इसको बोलते हैं भैया मूवी, जिसमें हर वो एलिमेंट है जो कि आपको सिनेमा घर में टोटली इंटरटेन करने वाली है। क्या ट्रेलर बॉस! हर एक विजुअल बहुत ही शानदार, हर एक एक्शन सीक्वेंस बहुत ही शानदार, बीजीएम आउट ऑफ द बॉक्स, और उसके बाद भैया अपने थलापति विजय का स्टारडम। क्या ट्रेलर है बॉस! यानी कि भैया जब आप इस फिल्म के ट्रेलर को देखोगे, इसके पहले शॉट को ही देखोगे ना, तो आप बोलोगे कि भैया पूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं। और भाई इस ट्रेलर की शुरुआत जिस तरीके से होती है, इस फिल्म के लेवल को आप समझ सकते हो कि किस लेवल पर इस फिल्म को बनाया गया है मेरे भाई। भैया टोटली इंटरटेनिंग मूवी में बॉस, टोटली इंटरटेनिंग। यानी कि भैया इन दिनों साउथ इंडस्ट्री से जैसी फिल्में निकल के आ रही ना, उसको देखने के बाद भैया दिल गदगद हो जा रहा है इस बात को लेकर कि भाई हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री कितनी बड़ी हो गई है, कितनी बड़ी हो गई है। इतनी बेहतरीन बेहतरीन फिल्में हमें हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से सिनेमाघरों में देखने का मौका मिल रहा है मेरे भाई। यानी कि ट्रेलर को देखने के बाद एक बात तो साफ हो गई है कि भैया हमारे जो बिस्ट है यानी कि भैया हमारे थलापति विजय जो है वो इस फिल्म में वीर राघवन का किरदार निभा रहे हैं, जो कि भैया एक जबरदस्त कमांडो है, या फिर कहें रॉ एजेंट है, या फिर कहें चलता फिरता किलिंग मशीन है, जो कि अपने देश के लिए सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार रहता है। यानी कि जब इस फिल्म का ट्रेलर खत्म होने वाला होता है ना, तो इसमें एक डायलॉग हमें सुनने को मिलता है थलापति विजय का, आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन, आई एम अ सोल्जर। यानी कि भैया मैं राजनीतिज्ञ नहीं हूं, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूं, नेता नहीं हूं, मैं एक सोल्जर हूं और मुझे पता है कि मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे पता है कि मुझे अपने देश के लिए क्या करना है मेरे भाई। यानी कि ट्रेलर में यह बात हमें देखने को मिल रही है कि एक शॉपिंग मॉल है जहां पर कुछ टेररिस्ट एंट्री मार चुके हैं और लोगों ने पूरे शॉपिंग मॉल को हाईजैक कर लिया है, वहां पर कई लोगों को उन लोगों ने अपहरित कर लिया है। और भाई इन लोगों को बचाने के लिए हमारी जो आईबी टीम है वो लग चुकी है। और उसके साथ ही ये इंट्रोडक्शन हमें मिलता है कई सारे विजुअल्स के माध्यम से कि भैया इन लोगों को बचाने का जो वीरा अपने ऊपर उठाया जिस इंसान ने, वो खुद में चलता फिरता एक किलिंग मशीन है। यानी कि भैया इन टेररिस्टों की, इन आतंकवादियों की खैर नहीं है, क्योंकि इनके सामने वीर राघवन है जिसका कोई जवाब नहीं है। यानी कि भैया स्टोरी लाइन में बोलना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा घुमाऊ नहीं है, लेकिन हाँ ये बात मैं जरूर कहूंगा कि इसमें आपको बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलेंगे, जो कि एक नॉर्मल स्टोरी को सुपर से ऊपर बनाती नजर आ रही है। और उसके बाद भाई इस फिल्म में जो एक्शन हमें देखने को मिल रहा है वो आउट ऑफ द बॉक्स है मेरे भाई।
इसको बोलते हैं ना मेरे भाई एक्शन, इसको बोलते हैं एक्शन। एक एक विजुअल इतना शानदार, इतना बेहतरीन, और उसमें वो जो फाइटर जेट वाला जो एक शॉट हमें देखने को मिलता है, जो कि भैया लेक के करीब से उड़ते हुए जाता और उसमें जो एक वेव्स क्रिएट होता है, मतलब लेक के अंदर, क्या विजुअल लिया गया मेरे भाई, बहुत ही शानदार मेरे भाई, बहुत ही शानदार। यानी कि इस ट्रेलर के माध्यम से वाकई में थलापति विजय ने दिल जीत लिया मेरे भाई। और इस ट्रेलर को देखने के बाद ये बात खुद ब खुद दिल से निकल रही है कि भैया इस फिल्म को तो कहीं भी रिलीज कर दिया जाए तो ये फिल्म कई सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर देगी मेरे भाई, कई सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर देगी। और इसमें जो अपेयरेंस है अपने थलापति विजय का, यानी कि उनका जो स्टारडम इसमें नजर आ रहा है, वो तो भैया ओह 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 मजा आ गया मेरे भाई, मजा आ गया। वो शॉट मतलब कि जिस तरीके से वो चाकू से कपड़ा को फाड़ रहे हैं और उसके बाद अंदर से वो देख रहे हैं टेररिस्टों को, और उसके बाद जैसे उनका नाम आता हम लोग के सामने वीर राघवन, देन उनके हाथों में हमें नजर आता है एक कुल्हाड़ी और वो शिकारी की तरह अपने शिकार की तरफ बढ़ते नजर आ रहे मेरे भाई, मतलब एक से बढ़कर एक विजुअल। तो दोस्तों वाकई में बहुत ही बेहतरीन है बिस्ट का ये ट्रेलर, और इस ट्रेलर को देखने के बाद मैं आप लोगों से एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि भैया इन दिनों भैया साउथ इंडस्ट्री कुछ देर के लिए कह लेते हैं कि साउथ इंडस्ट्री से बेहतरीन फिल्में इसलिए निकल के आ रही है कि वहां पर रियल टैलेंट्स को मौका दिया जा रहा है बड़े बड़े कलाकारों की तरफ से। यानी कि भैया थलापति विजय को लेकर मैं एक बात आप लोगों से जरूर कहना चाहूंगा कि वो हमेशा नई प्रतिभाओं को आगे आने का मौका देते हैं। यानी कि भैया हमारे बॉलीवुड की फिल्मों की तरह नहीं कि भैया हमारे बॉलीवुड के जो बड़े बड़े कलाकार हैं वो नए डायरेक्टर्स के साथ काम करना पसंद ही नहीं करते मेरे भाई। यानी कि जिनका मार्केट वैल्यू बना हुआ है, जिन्होंने कोई अच्छी फिल्म दी है, उन्हीं के साथ ये लोग काम करना पसंद करते हैं। लेकिन थलापति विजय की एक क्वालिटी है, वो नए टैलेंट्स को हमेशा मौका देते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर आपको कुछ मार्केट में नया लाना है तो आपको नए टैलेंट को खोजना होगा, उनको मौका देना होगा। और भाई इसी वजह से आज हमारी साउथ इंडस्ट्री जो है वो हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की मेन धुरी जान बन चुकी है, जान बन चुकी है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का, जिसका जवाब केवल और केवल या साउथ इंडस्ट्री के ही पास है। चाहे हम बात करें मलयालम इंडस्ट्री की, चाहे हम बात करें कन्नड़ा इंडस्ट्री की, चाहे हम बात करें तमिल इंडस्ट्री की, चाहे हम बात करें तेलुगु इंडस्ट्री की, यानी भैया ये इंडस्ट्री इन दिनों जिस तरीके का क्रिएशन बॉक्स ऑफिस पर लेकर आ रही है उसको देखने के बाद अगर कुछ लोग भैया इनकी फिल्मों को अगर रीजनल फिल्में बता रहे ना तो भाई उनको शर्म आनी चाहिए और इनसे सीखना चाहिए कि भैया अगर ये लोग रीजनल इंडस्ट्री है तो भाई ये लोग तो आप लोगों से फार बेटर है, आप लोगों से ज्यादा क्रिएटिव है, आपसे बेहतरीन फिल्में दे रहे हैं और इनके फिल्मों में इंगेजिंग वाले पॉइंट्स हमें देखने को मिलते हैं। देखो इस फिल्म के ट्रेलर को, क्या ट्रेलर है बॉस, क्या ट्रेलर है, ये ट्रेलर इतना शानदार है कि इसको देखने के बाद ये बात साफ हो रही है कि ये फिल्म जब सिनेमा घर में आएगी तो नो डाउट लोगों को एक जबरदस्त एक्सपीरियंस देकर जाएगी कि भैया इसको बोलते हैं असली एक्शन मूवी, इसको बोलते हैं असली मसाला मूवी, जो कि आपको थ्रू आउट सिनेमा घर में होल्ड करके बैठेगी मेरे भाई। और इस फिल्म को लेकर एक बात तो मैं आप लोगों से जरूर कहना चाहूंगा कि भैया अच्छा हो रहा है कि ये फिल्म एक दिन पहले रिलीज हो रही है केजीएफ के चैप्टर 2 से पहले। यानी कि भैया पहले हम लोग देख लेंगे इस फिल्म को, उसके बाद देखेंगे केजीएफ के चैप्टर 2 को। यानी कि भैया ये दोनों फिल्म अगर सिनेमा घर में एक साथ रिलीज होती ना तो उस दिन बड़ा मुश्किल फैसला होता कि भैया किस फिल्म को पहले हम देखने जाएं सिनेमा घर में। लेकिन यहां पर थलापति विजय ने भैया हमारी मुश्किलें आसान कर दी कि वो एक दिन पहले सिनेमा घर में आ रहे। यानी कि एक दिन पहले मैं इस फिल्म का रिव्यू करूंगा और उसके बाद फिर मैं करूंगा केजीएफ के चैप्टर 2 का रिव्यू। तो दोस्तों दोनों फिल्में होने वाली है शानदार और ये दोनों फिल्में धमाल मचाएंगी बॉक्स ऑफिस पर। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वार इंजेक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।